गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात। जैसा कि हर दिन आप सबको बीच क्वेश्चन सीरीज लेकर आया जा रहा है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो अपन लगातार अपना पढ़ाई जारी रखें और अपना यूट्यूब के माध्यम से तैयारी करते रहें। तो आज जो हम लेकर आए हैं क्लास फोर का सोशल साइंस का क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हुए हैं, जो भी आपके एग्जाम में जो एनुअल एग्जाम होने वाला है मार्च में, तो उसमें जो भी संभावित क्वेश्चन आएंगे यहाँ से 80-90% क्वेश्चन टच कर जाएंगे। तो आप लोग यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिएगा माँ गायत्री पब्लिक स्कूल या बोलिएगा या टाइप कीजिएगा तो ऐसा लोगो आ जाएगा जैसा कि पीला ऊपर में ब्लू से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि उससे नोटिफिकेशन अभी आपको पहुँचते रहेगा कि कौन वीडियो कौन सा डाला गया तो आ जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन किस तरह का आपको एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आप सबको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुवैकल्पिक प्रश्न, यानी बहुवैकल्पिक कहने का तात्पर्य यह है कि एक से अधिक विकल्प। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है उसका ऑप्शन देखिए तीन दिया हुआ है, यानी कि एक से अधिक विकल्प दिया हुआ है चुनने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द कैपिटल सिटी ऑफ लक्षद्वीप इज, लक्षद्वीप का राजधानी है, अब कौन सा राजधानी इसका है, कौन सा राजधानी है इसका, पोर्ट ब्लेयर, कवारत्ती या सिलवासा। तो पोर्ट ब्लेयर जो लक्षद्वीप समझेंगे, तो लक्षद्वीप क्या है, तो लक्षद्वीप जो है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसमें लक्षद्वीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका राजधानी कवारत्ती, बी नंबर जो ऑप्शन दिया है कवारत्ती यहीं इसका राजधानी है। पर उसके पहले जो यहाँ पर दिया है पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर भी राजधानी है एक केंद्र शासित प्रदेश का, जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसका राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और जो सी नंबर दिया है सिलवासा, ये दादर नगर हवेली एवं दमन दीव का राजधानी सिलवासा है। तो हमें लक्षद्वीप का जानना है, तो लक्षद्वीप का राजधानी कौन सा है, कवारत्ती, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द हाईएस्ट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज, यानी कि माउंट एवरेस्ट की हाइट पूछ रहा है, हाईएस्ट नहीं हाइट यानी ऊंचाई। तो जो दिया है 8484 मीटर, यानी कि 8884 मीटर, बी है 8480 मीटर 48, और सी नंबर दिया है 8448 मीटर, यानी कितना ऊंचाई है मीटर में बताना है। 8484 मीटर है कि 8848 है कि 8448 है, तो इसका सही उत्तर होगा 8848 मीटर, याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर। ठीक, ये आपका SSC का क्वेश्चन है, जीके का भी क्वेश्चन है, और ये नहीं कि आपको फोर क्लास में ही काम करेगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कॉम्पिटिशन एग्जाम तक हर जगह काम करेगा, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द ब्रह्मपुत्र रिवर राइजिन, यानी ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र रिवर यानी ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो राइज निकलती है कहाँ से, म्यांमार, चाइना, तिब्बत। तो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के पठार से, जो कि तिब्बत मतलब ये भारत के उत्तर साइड में जो पूरा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, वहाँ पे जो ऊपर चोटी में बर्फ़ जम जाते हैं, तो उन बर्फ को पिघलने से नदियाँ बन जाती हैं, धीरे धीरे धार बन जाते हैं, धार बनकर बहुत सारे धार मिलते मिलते बड़ा रूप ले लेते हैं, वहीं नदी बन जाता है, ठीक ना, नदी। तो वहीं ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पठार से निकला हुआ है। और फोर नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है ए डिजर्ट इज ऑफन कवर्ड विथ, यानी कि एक डिजर्ट जो है मरुस्थल है वो कवर ढका हुआ रहता है अक्सर किससे, तो सैंड, स्टोन, ग्रास, घास से कि पत्थर से कि सैंड बालू से। तो मरुस्थल मतलब कि बालू ही है, अगर मरुस्थल है कोई बोल दिया कि मरुस्थल तो समझे कि वहाँ पे बालू है, तो मरुस्थल में हमेशा आपको बालू ही मिलेगा, ना कि पत्थर और घास मिलेंगे। घास मिलते हैं मैदानी इलाका में जहाँ पे मिट्टी होता है, जहाँ पे फसल उगते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ए प्लेटू इज अल्सो कॉल्ड, प्लेटू यानी पठार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो पठार को टेबल लैंड भी कहते हैं, टेबल लैंड इसे मतलब पठार का ही नाम है, पठार ही इसे बोलते हैं टेबल लैंड पठार। ठीक, रिज मैंने चोटी होता है, किसी से मतलब जो ओएसिस दिया है, ये ओएसिस होता है जो मरुस्थल में कुछ ऐसा दृश्य जैसे दूर पर से उस धूप का प्रकाश का सूर्य के प्रकाश की रोशनी से जब देखने पर मालूम पड़ता है कि वहाँ पर पानी है देखने से, पर वहाँ जाने पर कुछ नहीं रहता है, तो उसको ओएसिस बोलते हैं। तो ये प्लेटू को टेबल लैंड बोलते हैं। ठीक, थोड़ा जूम करके बड़ा करके पढ़ा रहे हैं ना, थोड़ा फ्रेश और दिखेगा, चलिए हाँ फ्रेश आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ से, 6 नंबर से चलिए देखेंगे। अब यहाँ पे दिया है पोस्टल सर्विस इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, यानी पोस्टल सर्विस डाक सेवा भारत में शुरू किया गया, कब शुरू किया गया, तो ये 1766 में, 1888 में या 1947 में, यानी कि 1766 ईस्वी में, 1888 में, 1947 में। तो याद रखेंगे जो डाक सेवा शुरू किया गया था भारत में 1766 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज बिल्ड इन, यानी कि भारत में, भारत का ही बात हो रहा है, तो भारत में पहली बार रेलवे लाइन कब बना था, तो याद रखेंगे 1853 में, 1853 पहली बार रेलवे लाइन बना था, ठीक ना, मुंबई से थाड़े के बीच में। चलिए आगे नेक्स्ट है, स्पाइसेज डू नॉट इंक्लूड, यानी कि स्पाइस मसाले इंक्लूड नहीं है, किस में नहीं है, पेपर, क्लोव, अरहर, किस में,
तो देखिए पेपर ये मसाला ही है, स्पाइस मतलब मसाला, तो पेपर मतलब कि मिर्च होता है, मिर्च मसाला में ही आता है, क्लोव मतलब लवंग, लवंग भी मसाले में ही आते हैं, अरहर, अरहर ये दाल हो गया, तो दाल आपका मसाला में नहीं आता है, तो ये नॉट पूछा है डू नॉट इंक्लूड, तो अरहर डू नॉट इंक्लूड। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है पीपल माइग्रेट फ्रॉम, यहाँ पे देखिए पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज इन सर्च ऑफ, यानी पीपल लोग माइग्रेट हो रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, जा रहे हैं दूसरे जगह, किस चीज़ क्यों जा रहे हैं दूसरे जगह, जॉब के लिए, मिनरल के लिए, वाटर के लिए, यानी पानी के लिए जा रहे हैं, खनिज के लिए जा रहे हैं, या जॉब में नौकरी पाने के लिए। तो गाँव के लोग शहरों में जाते हैं, यानी प्लान करते हैं गांव से जॉब के लिए, काम के लिए, अपने काम के तलाश के लिए, कि हमें गांव में काम नहीं मिल रहा है, हम शहरों की तरफ भागे, वहां पे काम करेंगे, वहां काम मिलेगा। ठीक ना, तो पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज इन सर्च ऑफ जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द कान्हा नेशनल पार्क इज इन, कान्हा नेशनल पार्क पूछ रहा है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, तो उड़ीसा, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। ठीक, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पे जो सेकंड पेज पे यहाँ पर दिया हुआ है, मैच द फ्लोइंग, मैच द फ्लोइंग दिया हुआ है। जो पहला हुआ है तमाशा, निम्नलिखित को मिलान करें, तमाशा, तमाशा कहाँ का है, ये सब मतलब डांस, ये पूरे के पूरे लगभग कुछ इसमें डांस ही है, चार पांच हैं जो डांस से ही संबंधित है। तमाशा महाराष्ट्र का हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर देख लीजिए। नेक्स्ट है भांगड़ा, भांगड़ा पंजाब का है, ए नंबर यहाँ पे। घूमर, घूमर राजस्थान का है, ई नंबर देखिए यहाँ पर है। उसके बाद कथकली, कथकली केरला का है, यानी केरल यहाँ पे है। यक्षगान, यक्षगान कर्नाटक का है यहाँ पे। उसके बाद टी एंड कॉफी, अब थोड़ा आपको यहाँ बढ़ा के दे रहे हैं, इसे छोटा कर दें, चलिए इतना ही रहने दे रहे हैं, बड़ा ही रहने दे रहे हैं, और इसको थोड़ा इधर घसका दे रहे हैं ताकि आप लोगों को फ्रेश दिखेगा। चलिए आगे है टी एंड कॉफ़ी, तो टी एंड कॉफ़ी क्या है, थोड़ा सा और इसको छोटा कर ले रहे हैं ताकि फ्रेश दिखे। चलिए पूरा आ जाएगा, इतना ही क्वेश्चन है, पूरा नहीं आ पाएगा ना, कोई बात नहीं, चलिए इतना ही में समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं। हाँ, तो जो दिया है टी एंड कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी क्या है, तो देखिए यहाँ पे इस नंबर कैश क्रॉप, कैश क्रॉप मतलब कि नकदी फसल है, ठीक ना, व्यावसायिक फसल है। उसके बाद दिया है इंडिया, इंडिया क्या है, तो इंडिया देखिए लास्ट में एन एग्रीकल्चर कंट्री, यहाँ पे जो कट गया है, एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक ना, कृषि प्रधान देश है। ठीक, आगे है उसके बाद म्यूल्स एंड याक, म्यूल और याक किसके लिए, तो भैया बीट्स ऑफ बर्डन, यानी कि बोझ ढोने वाले पशु हैं, म्यूल्स मतलब खच्चर होता है, याक मतलब याक ही होता है, याद रखिएगा। चलिए बड़ा ही कर दे रहे हैं, आगे है राइस, छोटा पे दिखाई नहीं दे रहा है, राइस एंड व्हीट, राइस एंड व्हीट क्या है, तो ये हमारे अनाज है, देखिए यहाँ पे एफ नंबर ये अनाज दिया हुआ है, सीरियल। उसके बाद रबर क्या है, रबर क्या है, तो रबर किससे संबंधित है, तो प्लांटेशन क्रॉप, देखिए यहाँ पे जी नंबर में थोड़ा फ्रेश कर दे रहे हैं काट करके। हाँ देखिए रबर प्लांटेशन क्रॉप है, वृक्षारोपण फसल, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्वेश्चन किस तरह के आप लोग एग्जाम में आने वाले हैं। जो सेट जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए सी नंबर दिया हुआ है, फिल द ब्लैंक्स रिक्त हमको पूर्ति करें। पहला दिया हुआ है गोवा इज लोकेटेड इन द रीजन, यानी गोवा अवस्थित है रीजन क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र में, तो कोंकण क्षेत्र में गोवा अवस्थित है, जहाँ की भाषा भी है वहाँ पे कोंकणी बोला जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट है ब्लैंक है उसका रिमेन स्टेबल फॉर ए लॉन्गर टाइम, यानी कि लंबे समय तक, लंबे अवधि तक स्टेबल रिमेन मतलब बना रहता है, अवस्थित मतलब एक जैसा रहता है लंबे समय तक, उसे बोलते हैं क्लाइमेट जलवायु, जो एक जैसा रहता है। जैसे जाड़े का समय चल रहा है तो पूरा जाड़े पिछले दो महीना चल रहे हैं, आगे भी एक डेढ़ महीना चलेगा जाड़ा, तो पूरा मतलब लंबा समय तक एक ही मौसम बना हुआ है, क्लाइमेट उसे बोलते हैं। टेरिस फार्मिंग जो भरा हुआ यहाँ पे है कि इज कॉमन इन हिली एरिया मतलब पर्वतीय क्षेत्र में जो सामान्य जनक है, क्या टेरिस फार्मिंग, यानी छत जैसा छत नुमादार खेती वहाँ पर किया जाता है, जैसे कि एक खेत यहाँ हो गया, इसके नीचे एक थोड़ा सा ढालनुमा जगह होगा, पहाड़ी क्षेत्र ढालनुमा होगा, उसके नीचे काट के फिर छोटा बन के, अगर इसमें पानी होगा तो इसमें से इसमें आ जाएगा, इसमें से इसमें आ जाएगा, ऐसे करके, ठीक ना। और पहाड़ी क्षेत्र में चाय बागान होता है। आगे क्वेश्चन है डिसीडोस फॉरेस्ट आर वन अल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट, डिसीडोस फॉरेस्ट को हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं या कहा जाता है, तो सही
क्योंकि ये होता है पतझड़, ठीक ना, जो पत्ता झड़ जाता है तो मानसून फॉरेस्ट वहीं बोलते हैं जब पत्ता झड़ता है। ठीक, नेक्स्ट आगे है और इज, और यहाँ पे भरा हुआ है इज द इम्पोयर फॉर्म ऑफ मिनरल, यानी कि खनिजों का अशुद्ध रूप है। मतलब जैसे हम खान से खनिज निकालते हैं तो हमें जो अशुद्ध रूप में प्राप्त होता है उसे ओयर बोलते हैं, यानी कि अयस्क बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाईवे जो भरा हुआ है पहले से कनेक्ट टाउन एंड सिटी, यानी कि शहरों को जोड़ता है हाईवे। हाईवे जो बोलते हैं ना कि ये नेशनल हाईवे है, इतना नंबर है, ये नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 7, नेशनल हाईवे 3, ठीक ना। आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल, यानी कि ब्लैक सॉइल में अच्छा उपज होता है किसका, तो कॉटन, रुई का। ब्लैक सॉइल में, काली मिट्टी में, काली मिट्टी में अच्छा उपज होता है किसका, कॉटन, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप इन इंडिया, ऑफ इंडिया, तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सा है, तो राइस, चावल। भारत के बहुत बड़े भागों में चावल खेती की जाती है। नेक्स्ट है रेड सॉइल इज जनरली मेड अप ऑफ, यानी रेड सॉइल, लाल मिट्टी सामान्यतः बनते हैं किस से, किस चट्टान से, तो मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक मतलब कि रूपांतरित चट्टान से। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्लेटू इज एन एवलेटेड फ्लैट लैंड, प्लेटू क्या है, तो एक एवलेटेड फ्लैट लैंड है, यानी कि ऊंचा उठा हुआ भूमि, जगह, क्षेत्र है, ठीक ना, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फाल्स, यानी कि सही के लिए टी लिखना है और गलत के लिए ए, फाल्स लिखना है। जैसे कि पहला है इंडिया इज ए डेवलप्ड कंट्री, मतलब इंडिया एक विकसित देश है, तो नहीं, फाल्स हो गया, गलत है, इंडिया विकसित देश नहीं जबकि बल्कि विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक ना। विकसित बोलते हैं जो पूरा तरह से, पूरा औद्योगिक क्षेत्र से एकदम विकसित हो गया है, पूरा हर तरह से निपुण है, उसे विकसित बोलते हैं, और विकासशील उसे बोलते हैं जो विकसित की तरह विकसित होने के लिए बढ़ रहा है आगे, ठीक ना, उसे विकासशील बोलते हैं। नेक्स्ट आगे है जूट इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं, सुनहरा रेशा बोलते हैं, भारत का सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है, तो सही है, ट्रू। नेक्स्ट है इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, इंडिया सबसे बड़ा दूसरा प्रोड्यूसर है क्या चीज़ का, चीनी का, शुगर का, चीनी का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक भारत है, तो सही है। सबसे पहला ब्राज़ील है, पूरे विश्व में सबसे अधिक चीनी कहाँ होता है, ब्राज़ील में होता है, उसके बाद भारत में दूसरा स्थान है, ठीक ना, चीनी उत्पादक में। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर आर क्वाइट लो इन कॉस्ट, यानी कि न्यूज़पेपर जो होता है, अखबार होता है, वो कॉस्ट में लो, अत्यंत लो, मतलब बिल्कुल कम रेट का होता है, तो हाँ न्यूज़पेपर जो 10 12 15 16 पेज के होते हैं मात्र 3-4 रुपये में, 5 रुपये में प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें अपने एरिया का खबर, जिला का खबर, राज्य का खबर, दूसरे राज्य का, देश का, विदेश का, जो भी इम्पोर्टेंट खबर होते हैं सब उसमें लगभग लगभग आ जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ताजमहल इज इन दिल्ली, यानी कि ताजमहल दिल्ली में है, तो गलत हो गया, फाल्स, क्योंकि ताजमहल दिल्ली में नहीं, आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोयल इज मेटालिक मिनरल, यानी कोयल, यानी कोयला है धात्विक खनिज है, तो नहीं, धात्विक खनिज नहीं है, धात्विक खनिज है। नेक्स्ट इंडिया इज एबल टू यूज इट्स ह्यूमन रिसोर्स वेल, यानी कि इंडिया उपयोग करने में सक्षम है क्या, तो अपना ह्यूमन रिसर्च वेल, मतलब कि मानव संसाधन को अच्छी तरह से भारत उपयोग करने में सक्षम है, तो नहीं, सही तरीके से उपयोग करने में सक्षम नहीं है, पूर्ण रूप से सही नहीं है, उपयोग हो रहा है पर पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री, टेक्सटाइल जो कपड़ा उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, ठीक ना, धागा उद्योग है, जो भी, जो वस्त्र के लिए जो भी उद्योग हैं, इज द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री, मतलब सबसे पुराने उद्योग हैं इन आवर कंट्री, हमारे देश में, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े उद्योग हमारे देश में सबसे पुराने उद्योग हैं, तो हाँ, ट्रू, सही है। नेक्स्ट दिल्ली है जो मेट्रो ट्रेन नेटवर्क, दिल्ली में मेट्रो ट्रेन नेटवर्क है, तो हाँ है, दिल्ली में मेट्रो है। आगे एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ, एवरीबॉडी यानी प्रत्येक, हर व्यक्ति कानून में एक बराबर एक समान है, तो हाँ बिल्कुल, हर व्यक्ति कानून में एक बराबर एक एक समान है। ठीक, याद रखिएगा। आगे चलते पेज पे और अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अब इन नंबर यहाँ पे है गिव वन वर्ड आंसर, यानी कि एक वर्ड में उत्तर देना है। दिस इटन विथ मक्के की रोटी,
यानी कि हम इसे खाते हैं मक्के की रोटी और क्या सरसों के साग के साथ, मैंने जो भी है मक्के की रोटी के साथ सरसों के साग। नेक्स्ट कट डिश इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में जो कट डिश होता है दही वाला भोजन होता है कौन सा भो पचहड़ी है ये भोजन का नाम है। क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु क्लासिकल डांस कौन सा है तो भरतनाट्यम है, याद रखिएगा। फोल्क डांस ऑफ पंजाबियन, पंजाबी लोगों का फोल्क डांस कौन सा है तो गिद्धा है। नेक्स्ट ए डांस ड्रामा ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक का डांस ड्रामा कौन है तो यक्षगान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन, कारण बताएं, कारण दें इस सबका, तो व्हाई इज इंडिया कॉल्ड एन एग्रेरियन कंट्री, एग्रियन एग्रेरियन कंट्री दिया हुआ है कि एग्रेरियन कंट्री भारत को क्यों कहा जाता है, यानी कृषक देश भारत को क्यों कहते हैं, कृषि देश, कृषि प्रधान देश। तो इंडिया कॉल्ड एग्रेरियन कंट्री बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि भारत को एग्रेरियन कंट्री इसलिए कहा जाता है, कृषि देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे लोग, अधिक संख्या में लोग, मैक्सिमम लोग ऑफ इंडिया भारत के डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, खेती पर आश्रित है, भारत के बहुत सारे लोग खेती पर आश्रित हैं, इसलिए हम इंडिया को एग्रेरियन कंट्री कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ेंगे, दिया हुआ है व्हाई इज इंडिया, तो हो गया। उसके बाद आयरन इज वन ऑफ द मस्ट यूजफुल मेटल व्हाई, यानी कि लोहा बहुत ज़्यादा उपयोगी धातु है, क्यों, तो क्यों बहुत ज़्यादा उपयोगी धातु है तो क्योंकि आयरन इज बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि आयरन लोहा उद्योग का, फैक्ट्रियों का बैकबोन है, रीढ़ है, सो इट इज मस्ट यूजफुल मेटल, इसलिए यह बहुत उपयोगी धातु है। बैकबोन रीढ़ का कहने का मतलब कि सबसे मेन बेसिक बेस चीज पॉइंट है लोहा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो लोहे से तैयार, जैसे मान लो रेलवे बन रहा है तो रेलवे का ट्रैक लोहा से ही बन रहा है, रेलवे लोहा से मतलब लोहा ही है जो ज़्यादा मात्रा में उपयोग देखने को मिलता है। ठीक ना, लोहा मजबूत चीज़ है। नेक्स्ट आगे है इंडिया इज कॉल्ड ए लैंड ऑफ डिवर्सिटी, वाई इंडिया को मतलब विभिन्नताओं के देश क्यों कहते, विभिन्नताओं के भूमि क्यों कहते, विविधता का। ठीक ना, चलिए बड़ा कर ले रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा विविधताओं का देश क्यों कहते हैं इंडिया को, तो क्योंकि इंडिया इज कॉल्ड ए लैंड ऑफ डिवर्सिटी बिकॉज द पीपल ऑफ इंडिया हैज वेरिड लैंग्वेज रीजन ड्रेस एंड अदर कस्टम, यानी कि इसलिए का विविधता होगा कि क्योंकि यहाँ के लोग बहुत सारे भाषाओं के हैं, भारत में है तो आप ये मत समझिए कि केवल भारत में हम हिंदी बोल रहे हैं तो आप हिंदी ही केवल भारत में बोला जाता है, भारत में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, मराठी, गुजराती, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ठीक ना, उड़िया, बहुत सारे भाषा बोले जाते हैं, तो बहुत सारे भाषाओं के लोग हैं, तो विविधता हो गया यहाँ पे। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, रीजन क्षेत्र, बहुत सारे अलग तरह के क्षेत्र हैं, बहुत सारे लोगों का ड्रेस है, कस्टम है, पहनावा है, रीति है, रिवाज है, ठीक ना, सबसे अलग अलग है, इसे विविधता है, बहुत सारे तरह के लोग यहाँ पे हैं। नेक्स्ट खरीफ क्रॉप्स आर नॉन एज मानसून क्रॉप, यानी खरीफ क्रॉप को मानसून क्रॉप जाना जाता है, क्यों कैसे, तो खरीफ क्रॉप्स आर नॉन एज मानसून क्रॉप बिकॉज इट डिपेंड ऑन मानसूनी रेन, खरीफ क्रॉप को मानसूनी क्रॉप इसलिए कहा जाता है क्योंकि मानसूनी रेन यानी कि बारिश पर आश्रित होता है, जैसे कि आपको धान हो गया, ठीक ना, जब धान होता है तो उसमें देखते हैं पर पूरा खेतों में पानी भरा हुआ रहता है क्योंकि ये मानसूनी रेन उसी समय बरसा जब भेजा होता है कि ये मानसूनी फसल है। ठीक ना, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, जो क्वेश्चन दिया है एयर ट्रांसपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है, एयर ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि वायु परिवहन जो है सबसे महंगा परिवहन है, अब इसके बारे में डिफाइन करेंगे हम, तो यहाँ पे दिया है एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत तेज गति के साथ साथ बहुत महंगा परिवहन है, इट इज़ वेरी यूजफुल एंड कवर ए लॉन्ग डिस्टेंस इन ए शॉर्ट टाइम, और यह बहुत उपयोगी है और इसके साथ साथ ये बहुत लंबा दूरी मात्र कम ही समय में ये दूरी तय कर लेता है। ठीक ना, महंगा है पर महंगा साथ साथ इसका वास्तविकता भी है कि बहुत दूर जाना है तो बहुत कम समय में पहुँच जाएंगे। ठीक ना, जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक हम पैदल जा रहे हैं, आप साइकिल से जा रहे हैं, या हम पैदल जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं, हम पैदल जा रहे हैं आप कार से जा रहे हैं, तो कितना जल्दी पहुंचिएगा आप, कितना देर से हम पहुंचेंगे, वही चीज़ है। ठीक, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और आप देखें क्वेश्चन किस तरह का आप लोगों का सेट किया हुआ है। नेक्स्ट है आंसर दी फ्लोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। जो पहला दिया हुआ है व्हाट इज
दिया है कि व्हाट इज ए मिनरल ऑयल, यानी कि खनिज अयस्क क्या है, तो ऑल मिनरल आर नॉट फाउंड इन देयर प्योर फॉर्म, यानी कि सारे खनिज शुद्ध रूप में नहीं पाए जाते हैं, तो द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मिनरल आर कॉल्ड ऑयर, यानी कि अयस्क, तो उसी अशुद्ध अवस्था में जो पाए जाएंगे खनिज उन्हीं को हम ऑयर बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउ इज ट्रांसपोर्ट यूजफुल फॉर अस, यानी कि ट्रांसपोर्ट परिवहन हमारे लिए यूजफुल क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक ना, ये है। तो हम पढ़ रहे थे कि हाउ इज ट्रांसपोर्ट यूजफुल फॉर अस, यानी कि परिवहन हमारे लिए उपयोगी क्यों है, कैसे है। तो ट्रांसपोर्ट इज यूजफुल फॉर अस इन मेनी वे, माने बहुत सारे तरह से ट्रांसपोर्ट परिवहन हमारे लिए यूजफुल है, उपयोगी है। जो पहला यहाँ पर दिया हुआ है, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। दूसरा, कैरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक कोई भी उत्पाद को ले जा सकते हैं यहाँ से वहाँ, जो ढोने के लिए काम किया जाता है ट्रांसपोर्ट से। नेक्स्ट, फार्मर नीड टू मूव देयर क्रॉप्स, अब फार्मर जो किसान है वो भी अपना फसल यहाँ से वहाँ, ठीक ना, ले जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे है, व्हाट इज मास मीडिया, मास मीडिया क्या है, जनसंचार, जनसंचार वो चीज़ होता है जिससे जो हम न्यूज द्वारा प्राप्त करते हैं, टेलीविज़न द्वारा, समाचार द्वारा, ठीक ना, रेडियो द्वारा, ये सारा चीज़, या न्यूज़पेपर द्वारा, ये सारे जनसंचार सुविधाएँ हैं, ठीक ना, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना। चलिए ऊपर कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, रेडियो टेलीविज़न न्यूज़पेपर मैगजीन एंड सिनेमा आर द मीन्स ऑफ मास मीडिया, ये रेडियो टेलीविज़न न्यूज़पेपर मैगजीन, ठीक ना, मैगजीन मतलब पत्रिका, जो आपको देखते होंगे किताब कॉपी की दुकान पर जाते होंगे, स्टेशनरी दुकान पे, तो वहाँ पे बहुत सारे पत्रिका रहते हैं जो साप्ताहिक होते हैं, मंथली होते हैं, ठीक ना, जैसे इंडिया इंडिया टुडे हो गया पत्रिका, या आपका सक्सेस मिनर हो गया, या प्रतियोगिता दर्पण हो गया, बहुत सारे होते हैं मैगजीन, ठीक ना, ये सब सूचना प्रदान करते हैं कहाँ पर कैसे क्या इन्फॉर्मेशन। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट इज राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, ठीक ना, क्या है, राइट टू इक्वालिटी मीन्स एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक बराबर हैं, ठीक, यही है। नेक्स्ट है, डिफाइन एनी टू इंडस्ट्री, मतलब डिफाइन करना है, विस्तृत समझा बताना है दो वो इंडस्ट्री के बारे में, दो उद्योग के बारे में, तो द रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर आर कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्री, फ्रेश करके दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, नोट भी कर लीजिएगा यहाँ से, यानी कि रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है उसको हम तैयार करते हैं और फिनिश करते हैं अच्छे माल में, मतलब उससे हम बना, जैसे मान लीजिए कि कोई भी हम धागा लेकर आएँ, ऊन बाजार से ऊन लेकर आ रहे हैं, उसे हम स्वेटर बना दे रहे हैं, ठीक, तो आपका ऊन हो गया कच्चा माल हो गया, ठीक ना, उसे स्वेटर बना दिए तो वो पक्का हो गया। अब तो वहीं जैसे कि मतलब घर पे जो तैयार होते हैं, जैसे मोमबत्ती बनाना या कुछ और भी अगरबत्ती बनाना, अगर घर पे जो हमें तैयार हो जा रहे हैं तो इसे बोलते हैं कुटीर उद्योग बोलते हैं, ठीक ना, कुटीर उद्योग, तो फैमिली मेंबर लोग मिल के बना सकते हैं ऐसा छोटा छोटा, खांची बनाना या डाली बनाना कुछ भी। नेक्स्ट है, व्हेन बिग मिल और मशीन आर सेटअप एंड थाउजेंड ऑफ पीपल वर्क टू प्रोड्यूस गुड्स इज कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, अब जब होता है बड़े मिलों में या बड़े बड़े मशीनों का सेटअप में लगा करके, जो बहुत सारे सैकड़ों हजारों लोग मिल करके जब काम करते हैं या बहुत सारे सामान वहाँ से बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यानी बहुत बड़े पैमाने पर उद्योगीकरण उद्योग, ठीक ना, जैसे मोबाइल फैक्ट्री हो गया जो कि घर पे नहीं बन सकता है, या कोई भी लोहा का फैक्ट्री हो गया, कोई मतलब कोई भी जो बड़ा बड़ा बर्तन फैक्ट्री है आपका, जो भी फैक्ट्री मतलब बहुत सारे लोग मिलकर कर रहे हैं, ठीक ना। राइट टू फंडामेंटल ड्यूटी, दो फंडामेंटल ड्यूटी बताना है, फंडामेंटल ड्यूटी क्या होता है, तो मौलिक कर्तव्य होता है, ठीक ना, फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य, हम लोग अपना संविधान में मौलिक कर्तव्य क्या दिया हुआ है, तो वी मस्ट फॉलो द रूल, हमें सभी नियमों को फॉलो करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए, ठीक। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, हम लोग का अपना नेशनल झंडा जो नेशनल फ्लैग है, तिरंगा है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक ना, आदर करना चाहिए। नेक्स्ट दिया हुआ है कि राइट टू फंडामेंटल राइट, हम लोग का मौलिक अधिकार क्या है, जो अधिकार मिला है संविधान की तरफ से, इसको ऊपर कर दे रहे हैं। एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी एक बराबर है, एक समान है। नो वन हैज ए राइट टू एक्सप्लॉइट अदर, यानी कि कोई भी व्यक्ति दूसरे के अधिकार को शोषण नहीं कर सकते हैं। हम लोग का अधिकार है कि जो मेरा अधिकार है वो आप नहीं छीन सकते हैं, जो आपका अधिकार है उसे हम नहीं छीन सकते हैं, यह हमारे संविधान में मिला है, बताया गया है, कहा गया है, ठीक। नेक्स्ट आगे है, व्हाट आर कॉल्ड फॉरेस्ट, जंगल किसे कहते हैं, तो लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ ट्री
आर कॉल्ड फॉरेस्ट, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर, बड़े संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में जो पेड़ ढके रहते हैं, पूरा पेड़ मतलब लगा हुआ है, एकदम पेड़ों से भरा हुआ है पूरा एरिया क्षेत्र, उसी को हम बोलते हैं फॉरेस्ट, बोले तो जंगल, ठीक ना। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको समाप्त हो रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही चैनल से साथ जुड़े रहें, सबको शेयर करते रहें, पढ़ाई अपना जारी रखें। तो चलिए, धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ।